नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। तो देखिए, ये एक डेल का लैपटॉप है, दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए, ये कोर i3 है और किसी ने भूल से आसुस का स्टिकर लगा दिया यहाँ पे। तो इसका मॉडल नंबर एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इंस्पिरॉन 4050 बराबर। तो इस मॉडल में अभी कीबोर्ड का दिक्कत है और इसका जो टच पैड है ये भी काम नहीं कर रहा है बराबर। मतलब ये लैपटॉप पहले तो डेड था, तो इसे रिपेयर करने के बाद अभी ऐसा प्रॉब्लम आया है। तो अभी मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, तो इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि ये कीबोर्ड चेंज ना करके इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चालू करके एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, डेल आ रहा है। तो इसे चालू करने के बाद ये यहाँ पे देखिए, ये दिखाई दे रहा है द एसी पावर एडाप्टर। ये जो ये एडाप्टर मैंने लगाया, ये कंफर्टेबल एडाप्टर है, इसलिए सपोर्ट नहीं ले रहा है। पर यहाँ पे F1 दबाने के लिए बोल रहा है बराबर। तो ये देखिए, F1 मैं दबा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है बराबर। तो एक USB कीबोर्ड है मेरे पास, तो उसी से जाके इसे ऑन करूँगा। ये देखिए, USB केबल लगाना होगा और एक बार ऑन करके आपको दिखाऊंगा। USB कीबोर्ड, और अब यहाँ पे F1 दबाने के बाद क्या होता है देखिए, ये चालू हो जाएगा बराबर। हो रहा है, विंडोज तो चालू हो चुका है। पर अब यहाँ पे देख सकते हैं, मैं विंडोज की यहाँ पे दबा रहा हूँ पर कुछ यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो और देखिए, ये जो कीबोर्ड है, मैं इसी से ये विंडोज की दबाता हूँ तो तब देखिए ये विंडोज आ रहा है बराबर। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो कीबोर्ड है इसे खोलेंगे और थोड़ा सा हीट देने की कोशिश करेंगे और जो कनेक्टर है उसे साफ करेंगे अच्छे से। मॉइस्चर वगैरह है बहुत सारा, तो इसलिए नहीं चल रहा है। तो ब्लूलाइट को चालू कर दिया और इसे खोलेंगे अभी। इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसे तो बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऐसे नहीं बंद होगा, तो इसलिए पावर की दबा के इसे बंद कर रहा हूँ। बंद कर दिया, अब इसे ऐसे खोलेंगे। इसे खोलने के बाद इसके पीछे एक लॉक है, उसे ऊपर की तरफ उठाना होगा। ठीक है, ये देखिए, इस लॉक को ऊपर की तरफ उठाना होता है, इस लॉक को बराबर। तो अब यहाँ पे और टच पैड का जो कनेक्टर है उसे भी खोलेंगे। ये देखिए, खोला मैं, और अब इसे थोड़ा सा साफ करना होगा आपको। ठीक है, और फिर सारी जगह पे थोड़ा सा हीट देंगे बराबर। द्वारा भी चल रहा है, सुनाई दे रहा है इसकी आवाज। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके एयर फुल देके फुल एयर में इसे हीट करेंगे। और दूसरी साइड से भी देंगे।
लेकिन एक जगह पे इतना हीट मत देना कि ये पिघल जाए, ठीक है? अगर पिघल जाए तो कस्टमर आपको क्या क्या कर लेगा मालूम नहीं है, ठीक है? खराब है पर इसे ध्यान से कम करना होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर अगर हो जाए तो बढ़िया हो, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे हीट देने के बाद आपको ऐसे, इसे बहुत गर्म है, इसे ऐसे इसकी अंदर से जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, बराबर। अब देख नहीं पाओगे क्योंकि कैमरा में ये सूट नहीं होता है, जो ये धूल इसके अंदर से बाहर आ रहा है तो ये सूट नहीं होगा। बराबर। और ये जो कनेक्टर मैं निकाले थे ये टचपैड का है, तो इसे भी थोड़ा सा साफ करेंगे। ये मेटल का है और इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीबोर्ड की वजह से ये चालू नहीं हो रहा था, ठीक है? तो इसे साफ नहीं करने से या फिर करने से कोई दिक्कत नहीं होता, पर ये कीबोर्ड को जरूर साफ कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? ये जो कनेक्टर है ये क्या बोलते हैं, ग्राफाइट का है, ठीक है? तो इसे दोबारा इसे लगाएंगे यहाँ पे, पर सबसे पहले तो टचपैड को डालना होगा यहीं पे। बराबर। और अब ये केबल इतनी बड़ा सा है तो इसे अब यहाँ पे ऐसे लगाना होगा, ऐसे नहीं, ठीक है? अच्छे से देखिए, ऐसे नहीं, इसे ऐसे लगाना होगा। आप इधर लिखा है, अगर नहीं हो रहा है तो इसे चेंज करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन मैं कोशिश तो किया और ओ माय गॉड, अच्छे से नहीं हुआ है। इसे आपको देख के लगाना होगा, ठीक है? यहाँ पे एक व्हाइट कलर का लाइन है, उसे बराबर कवर करना होगा और फिर इसे ऐसे लगाना होगा फिर से। और इसे ऐसे नहीं चिपकाएंगे अभी, इसे दोबारा चालू करके देखेंगे, बराबर। चालू कर दिया, अभी दिखाएगा ये एसी पावर अडैप्टर। तो यहाँ पे ये फोन दबाएंगे, ये देखिए काम हो रहा है यार, पर ये कितनी दिन तक चलेगा वो मेरे को नहीं पता। तो इसे अभी यहाँ पे सेट करके देख लेते हैं। F1 तो काम कर रहा है, ठीक है? पर अगर नहीं कर रहा है तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अगर की नहीं काम कर रहा है तो इसे तो बदलना ही पड़ेगा। पर ये चालू होने में बहुत देर लगा रहा है अभी, क्योंकि वो यहाँ से दबा के बंद कर दिए थे, क्योंकि इसमें सेटिंग्स में जाके मैं बंद करने की मौका ही नहीं मिला था। तो ठीक है, थोड़ी देर बाद और देख लेते हैं क्या हो रहा है। और कोई दिक्कत हो रहा है तो, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आपका नंबर दे सकते हैं, मैं कॉल करके आपको जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसे एक बार देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है? और मेरे चैनल के अबाउट में जो वीडियो है उसे भी देख लीजिए, मतलब कि इंडिया में बहुत सारा बेरोजगार लोग है, उन सभी लोगों को मैं हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन कितने लोगों तक मैं पहुँचूंगा ये याद नहीं है, मतलब ये मालूम नहीं है मेरे को, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मेरा जो हेल्प है वो पाए और वो अपना रास्ता खुद ही बना सके। तो ये देखिए थोड़ा देर लग रहा है, ये विंडोज 8.1 है,
तो मैं इसे मिक्सिंग नहीं करूंगा, और मैं जो बोल रहा हूँ इसे ध्यान से सुनिए। टाइम थोड़ा लगेगा, कीबोर्ड अच्छे से काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप्स लॉक भी चल रहा है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग ज्यादा से ज्यादातर सीख जाए मेरे से, ठीक है, और मैं आप लोगों के पास से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांगूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सच में सच्ची दिल से आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर मेरे को बता सकते हैं आप, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, ये मेरा गारंटी है 100%। और मेरा जो वीडियो है मेरे हिसाब से लगता है वो 100% सभी सही है, ठीक है। हो सकता है कुछ वीडियो में म्यूजिक वगैरह है भी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। और जो नया नया अभी वीडियो आ रहा है उसमें कुछ भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, ठीक है। तो सभी वीडियो का पूरा देख लीजिए, और देखने को बाद मेरे को कमेंट्स कीजिए और बताइए, और क्या क्या जानना चाहते हैं आप मेरे को बता सकते हैं। मैं इस चैनल पे लैपटॉप रिपेयरिंग, डेस्कटॉप का मदरबोर्ड रिपेयरिंग, ठीक है, और टीवी ट्यूनर रिपेयरिंग, एंड्रॉयड फोन की सॉफ्टवेयर सब कुछ रिपेयरिंग सिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, चीप लेवल में। और फिर LCD मॉनिटर, LCD टीवी, हालांकि आज ही एक LCD मॉनिटर आया है, उसे थोड़ा सा काम करके वो वीडियो शूट करके रखा हूँ, वो कल तक हो जाएगा, मतलब पार्ट्स अभी अवेलेबल नहीं, नाइट है, मतलब ये रात है, रात में यहाँ पे दुकान बंद रहता है, मतलब बहुत जल्दी में बंद हो जाता है, तो मैं पार्ट्स नहीं ला पाया, तो इसकी वजह से वो रुक गए काम, तो वो शायद कल तक हो जाएगा, पर ये तो अभी चालू नहीं हो रहा है क्योंकि मैं उसे बंद कर दिए थे, तो इसे एक बार दोबारा बंद करके चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी हो रहा है विंडोज 8, ठीक है। तो बहुत टाइम लग चुका है इसमें, और काम भी शायद मेरे हिसाब से हो चुका है पूरा का पूरा, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, मतलब ये छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है तो ये चलेगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसे चेंज करना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ सभी चीजों को रिपेयर करने की, मतलब कि चेंज ना करके इसे रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि लैपटॉप का जो पैनल है, दो चार दिन पहले मैं वीडियो डाले थे तो उसे भी मैं रिपेयर कर दिए थे, मतलब कि मैं पैनल का भी रिपेयर करता हूँ। ये जो पैनल दिखाई दे रहा है आपको, ये पैनल कोई भी रिपेयर नहीं करता यहाँ पे, पर मैं तो रिपेयर करता हूँ, और इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगर कोई पैनल अपने रिपेयर कर दिया, ठीक है। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, डेल का बैकलाइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब कि उसमें लाइट नहीं आ रहा था तो उसे ठीक कर दिया, कैसे ठीक किया, बहुत टाइम लगे थे उसमें, तो ये वो वाला लैपटॉप सही हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसमें दिक्कत हो रहा है विंडोज में अभी चालू होने में, पर यहीं पे तो सब कुछ काम कर रहा है। एक बार और कीबोर्ड को खोल के देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई। ये अभी चालू हो रहा है पर इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे को याद नहीं, मालूम नहीं, ठीक है। मोड़ के देख लेते हैं, ये देखिए ये हो गया है, कीबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं था, तो इसे दोबारा यहाँ पे लगाएंगे,
और आपको मैं शायद दिखा पाऊंगा। ये देखिए मैं कीबोर्ड में काम कर रहा हूँ, ये देखिए विंडोज डी, ठीक है, और ये देखिए विंडोज काम कर रहा है अच्छे से, और ये देखिए विंडोज डी। और आपको मैं टाइप करके कुछ दिखाता हूँ, सी एम डी में जाके, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए कुछ की अगर सॉर्टेड होता तो ये यहाँ पे अपने आप पढ़ता जाता, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइप करने से ये काम कर रहा है, ठीक है, बराबर। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए बराबर काम कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।